Srinagar is hosting a G20 working group on tourism. बतौर मेजबान भारत G20 की एक मीटिंग श्रीनगर में होस्ट करने जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, मकबूजा जम्मू कश्मीर। It's a huge surprise. A significant move to take direct control of the state of Kashmir. Troops, as we understand it, out on the streets. Panic has gripped many local residents. And it's one of the most disputed regions in the world. One of the most disputed regions in the world. लेकिन इस disputed region के अंदर इतना अहम event बुलाने का मकसद क्या है? मकसद है पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाना कि कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन मोदी सरकार सर तोड़ कोशिश कर रही है कि सब अच्छा ही अच्छा दिखाया जाए। मासूम कश्मीरियों के खून को तिरंगे के रंगों में छुपाकर, हक के खुद इरादियत की आवाजों को इंटरनेशनल इवेंट की सिक्योरिटी के नाम पर जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। मोदी साहब, हम लेके रहेंगे आजादी के नारे मकबूजा वादी में दहाइयों से गूंज रहे हैं, आप इन आवाजों को दबा नहीं सकते। चाचा के सदके, बुरहान के सदके, हम लेके रहेंगे आजादी, भारत से लेंगे आजादी। बल्कि आपके इस बेवकूफाना इकदाम की वजह से ये नारे अब पूरी दुनिया को सुनाई दे रहे हैं। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं ने एहतजाज की कॉल दे दी है। आलमी दारों ने मतनाज़े वादी में आलमी इवेंट के इनकार पर एतराज उठा दिया है। कुछ ममालिक तो मुमकिन तौर पर इवेंट का बायकॉट तक करने पर गौर कर रहे हैं। G20 की मेजबानी के लिबादे में मसला कश्मीर पर पर्दा डालने की इस कोशिश में किस तरह से मोदी सरकार दरअसल अपने कपड़े उतार कर पूरी दुनिया को अपना असल रूप दिखा रही है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैजान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 19 मई 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। जिस मीटिंग की हम बात कर रहे हैं वो है 22 मई 2023 को भारत ने G20 कंट्रीज के मेज़बान के तौर पर ये मीटिंग बुलाई है श्रीनगर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर। G20 कंट्रीज़ का आपको मालूम होगा, इसके अंदर बेसिकली 19 ममालिक और यूरोपियन यूनियन है। ये ग्रुप बनाया गया था सितंबर 1999 को, और बनाया किसने था? G8 कंट्रीज़, जो कि अब खैर G7 रह चुके हैं। रशिया को इसमें से 2014 के बाद निकाल दिया गया था। तो इस ग्रुप ने ये G20 कंट्रीज़ का ग्रुप बनाया था, जिसके अंदर 19 ममालिक और एक यूरोपियन यूनियन है। इस ग्रुप की जो मेज़बानी है वो रोटेट होती है। गुज़िश्ता साल इंडोनेशिया के पास थी, और वहाँ से ये डिसाइड हुआ कि अगले साल जो है भारत होस्ट करने वाला है G20 कंट्रीज़ को। अब जो लीडर्स समिट है G20 का, वो सितंबर 2023 को है, जिसमें तमाम G20 ममालिक के जो लीडर्स हैं वो शरीक होने वाले हैं। लेकिन इस G20 के अंदर कुछ वर्किंग ग्रुप्स भी होते हैं। आपको याद होगा कि मार्च के अंदर G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, फिर अभी जो अप्रैल है, अप्रैल के अंदर इख्तिताम पजीर हुआ G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का दूसरा इजलास। अब ये जो तीसरा इजलास है G20 टूरिज्म ग्रुप का, तीसरा इजलास ये भारत ने श्रीनगर में इसको रख लिया। इसका जो वेन्यू है वो श्रीनगर डिसाइड किया गया भारत की जानिब से। भारत ये सोच रहा था, अब मैं तारीख में नहीं जाऊंगा, तारीख आपको मालूम है, आपको क्या पूरी दुनिया को मालूम है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों में अब भी ये जो तनाज़ा है ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड मैंने आपको दिखाया। पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया जानती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादे मौजूद हैं। आर्टिकल 370-35A को किस तरह से मोदी सरकार ने इलीगली यकतरफा तौर पर इसका स्पेशल स्टेटस छीनने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाम कोशिश थी। इस तरह से आप इस डिस्प्यूटेड रीजन का स्टेटस जो है वो नहीं छीन सकते, जो कि 1949 से कश्मीर के पास ये स्टेटस था। अब भारत को गलतफहमी हुई कि चलो काफ़ी साल हो गए, तो क्यों ना एक और नॉर्मलाइजेशन का टच दिया जाए। यहाँ पर एक इंटरनेशनल इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाते हैं और यहाँ पर रंग बिखेर देते हैं तिरंगे के, यहाँ पर जो मकबूजा कश्मीर के मासूमों का खून है वो छुपा देते हैं, कलर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, पूरी दुनिया को पता नहीं लगेगा। नरेंद्र मोदी ने इस सोच के तहत ये जो समिट है टूरिज्म ग्रुप का, वर्किंग ग्रुप का, ये रख लिया श्रीनगर के अंदर। मतलब मजाक हो रहा है क्या? आप पूरी दुनिया को अंधा समझते हैं? पूरी दुनिया को नज़र नहीं आ रहा कि आप मकबूजा कश्मीर में क्या कर रहे हैं? मकबूजा कश्मीर को छोड़ दें,
पूरे भारत के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक किया जाता है मोदी सरकार की जानिब से, ये रिपोर्ट देख लें। ये रिपोर्ट आपको जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पर भी नज़र आ जाएगी। ये 2022 की रीसेंट रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि रिलीजियस फ्रीडम कितना है भारत के अंदर। और इस रिपोर्ट में आपके कारनामे जो हैं, मोदी सरकार के कारनामे साफ साफ दर्ज हैं। गोदी मीडिया जितनी मर्जी चीखें मारता रहे, गोदी मीडिया पर कौन बिलीव करता है, गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग पर ये देख लें। फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स, ये भी रीसेंट रिपोर्ट है, इसमें 180 ममालिक की लिस्ट में प्रेस फ्रीडम में भारत 161वें नंबर पर आता है। भारत जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बहुत सारे ममालिक से कहीं पीछे है प्रेस फ्रीडम में। तो गोदी मीडिया जितनी मर्जी चीखें मारता रहे, हमें मालूम है कि आपको कौन कंट्रोल कर रहा है। गोदी मीडिया नाम से जाहिर है कि इस मीडिया को मोदी कंट्रोल करता है, और इस मीडिया के मुंह से जो भी चीज़ें बाहर आती हैं, जो भी ये चीखते चिल्लाते हैं, जिस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, खैर वो आप सुन लें तो आपको कोई मजाहिया मूवी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस तरह की रिपोर्टिंग भारतीय मीडिया करता है। और जिस तरह से भारतीय मीडिया को तो छोड़ दें, अभी रिसेंट मिसाल मैं आपको दे दूँ, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए हुए थे SCO मीटिंग में शिरकत के लिए, वहाँ पर किस तरह की हरकतें, सुब्रमण्यम जयशंकर, मैं बड़ा मेच्योर किस्म का सियासतदान इसे समझ रहा था, सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने जिस तरह के लेवल पर ले आए ये गुफ्तगू को, वो गुफ्तगू ये सुनिए सुब्रमण्यम जयशंकर की, इसके बाद बात करते हैं। यू नो आई डोंट थिंक देयर इज अ G20 इशू टू डिबेट विद एनीबॉडी, सर्टनली नॉट विद अ कंट्री विच इज नथिंग टू डू विद द G20। अब जम्मू एंड कश्मीर वॉज इज विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, सुब्रमण्यम जयशंकर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है G20 से, इसलिए यहाँ पर इंटरफेरेंस बंद करें। पाकिस्तान का अक्वामे मुत्तहिदा से तो लेना देना है, उन करारदादों से तो लेना देना है, उस आर्टिकल 370 से, 35A से लेना देना तो है जिसे आपने एकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया, हक के खुद इरादियत कहाँ गया कश्मीरियों का, तो इस पर तो पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया के ममालिक जो इस तरह के तनाज़ात पर आवाज़ उठाते हैं वो आवाज़ उठाएंगे। और आप जो कह रहे हैं कि ये माजी की बातें हैं, ये जो पोस्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपके सवाल का, इसका स्टेटमेंट का जवाब दे रहे होंगे कि माजी की बातें नहीं हैं, ये आजकल के पोस्टर्स हैं, जो आपके जो गुंडे हैं वो आजकल उतारने में मसरूफ़ हैं, यहाँ पर खून साफ करने में मसरूफ़ हैं, पेंटिंग डेंटिंग की जा रही है मकबूजा कश्मीर की, और सब अच्छा ही अच्छा दिखाने के लिए काफ़ी सारी तिगो दो जो है वो मोदी में जो सिक्योरिटी है वो कर रही है, यहाँ पर जो भारतीय फोर्सेस हैं वो किस तरह से मसरूफ़ हैं सोशल मीडिया के ऊपर, भरी पड़ी हैं वीडियोस, पूरी दुनिया को नज़र आती हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये माइनॉरिटी राइट्स के नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशंस के, इन्होंने क्या ट्वीट की ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। होल्डिंग अ G20 मीटिंग इन जम्मू एंड कश्मीर वाइल मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आर ऑन गोइंग इज लैंडिंग सपोर्ट टू अटेम्प्ट्स बाय इंडिया to normalize the brutal and repressive denial of democratic and other rights of Kashmiris, Muslims, minorities. ये है हकीकत जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरी दुनिया से आवाज़ आ रही है, यूनाइटेड नेशंस से आवाज़ आ रही है, और G20 के अंदर जो ममालिक हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें कुछ ममालिक ऐसे हैं जो मसला कश्मीर पर यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर, दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स के ऊपर खड़े होकर बात करते हैं। और अब कुछ इस तरह की खबरें भी हैं कि चाइना और तुर्की मुमकिन तौर पर श्रीनगर के अंदर होने वाली इस मीटिंग के अंदर शिरकत नहीं करेंगे, और जो हाजिर होंगे वो खुद अपनी आंखों से देख लेंगे, जो G20 के ऑफिशियल श्रीनगर के अंदर मौजूद होंगे वो अपनी आंखों से देख लेंगे। आपने तो जन्नत नज़ीर वादी उन्हें दिखानी है जिसको आपने खून से रंग दिया, अब वो खून आप साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो ऑफिशियल्स हैं G20 के जो शरीक होने वाले हैं इस मीटिंग के अंदर, ये अपनी आंखों से देख लेंगे कि श्रीनगर की क्या हालत है, क्योंकि जितना मर्ज़ी आप इन आज़ादी की आवाज़ों को दबाने की कोशिश करें, ये आवाज़ें जो हैं अभी से पूरी दुनिया तक पहुंच रही हैं। तो जो नुमाइंदे यहाँ पर, जो ऑफिशियल्स मौजूद होंगे, तो क्या आप समझते हैं कि वो अंधे हैं या वो बहरे हैं, उन्हें पता नहीं लगेगा कि जो मुजाहिरों की कॉल दी गई है कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से, जिस तरह की कॉल दी गई है, जिस तरह के पोस्टर्स आवेज़ा किए गए हैं, जो आप बहरहाल उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी की आवाज़ें मुझे यकीन है कि पूरी दुनिया तक पहुंचेंगी। और मुझे मालूम है कि कोई भी सिक्योरिटी इशू होता है, कोई भी इस तरह का मसला होगा, तो भारत की क्या स्टेटमेंट सामने आएगी, पाकिस्तान पाकिस्तान
पाकिस्तान ने कर दिया, ये फिल्में हो गई पुरानी। मैंने आपको रिपोर्ट्स भी दिखा दी, मैंने आपको ट्वीट्स भी दिखा दी जो इंटरनेशनल सतह पर इस मीटिंग को लेकर सामने आ रही हैं। तो कोई और स्क्रिप्ट लिखें मोदी साहब, ये स्क्रिप्ट बहुत पुराना हो गया कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डाल दो। पुलवामा पूरी दुनिया के सामने है, नरेंद्र मोदी का जो ट्रॉमा है वो पूरी दुनिया के सामने। आप किस तरह की हरकतें करते हैं, किस तरह की लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स पर बैठकर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं सुब्रमण्यम जयशंकर के, जिनका ना सर है ना पाँव है। अकवामे मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, ये जो पोस्टर्स हैं ये मौजूद हैं, ये जो ट्वीट्स हैं, आलमी इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं ये मौजूद हैं। ये आप खुद अपने कपड़े उतार कर कश्मीर पर डाल रहे हैं, लेकिन आप खुद नंगे हो गए हैं। अपने कपड़े उतार कर पूरी दुनिया को आप अपना असल रूप दिखा रहे हैं। इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के डिस्प्यूटेड रीजन्स के अंदर ऑर्गेनाइज करके, मुनक्कद करके, आप क्या समझते हैं कि आप सब अच्छे अच्छे की रिपोर्ट दे देंगे कि देखो कश्मीर के अंदर फूल लगे हुए हैं दीवारों के ऊपर, कहीं खून नहीं नज़र आ रहा, आपको कोई आवाज़ नज़र आ रही है किसी एहतजाज की कोई ऐसी चीज़? तो ये आपकी गलत फहमी है। 22 मई को देखिएगा कि क्या होगा, किस तरह से जो आप कश्मीर का ये इशू छुपाने की कोशिश करते हैं, आपने खुद जो है वो दावत दे दी है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि आकर आपका असल चेहरा जो है वो श्रीनगर के अंदर देख लें। देखेंगे हम भी चेहरा श्रीनगर के अंदर, भारत का असल चेहरा पूरी दुनिया भी देखेगी, कौन कौन सा मुल्क बायकॉट करता है इस मीटिंग का, नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।